नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ न्यू अपडेट के बारे में। UMT में EMMC के लिए एक नया अपडेट आया है 0.3, तो उसे डाउनलोड कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें UMT सपोर्ट टूल जो होता है उसे ओपन कर लेना है। इंटरनेट हमें चालू रखना है। दोस्तों मेरे पास भी इंटरनेट है, आप देख सकते हैं कनेक्ट चालू है, वाईफाई कनेक्ट है। उसके बाद हमें इंस्टॉलर में जाना है। ये देखिए न्यू अपडेट है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाउनलोड में ऐड हो जाता है। दोस्तों कई लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है कि डाउनलोड किस तरह से करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्क करना पड़ता है और बस स्टार्ट कर देना है, उसके बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड जैसे कंप्लीट हो जाता है तो ये लोकेशन में जाना है। तो यहाँ पे हमें दिखा देगा, मैंने पहले से दोस्तों इंस्टॉल करके रखा हूँ, डाउनलोड करके रखा हूँ मैंने इसमें, तो इसे मैं अभी इंस्टॉल करूँगा। और दोस्तों इसमें विदाउट आउट सर्वर के EMI के मोबाइल को किस तरह से अनलॉक करेंगे मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए मेरे पास ये फाइल है, इसके इससे हम किस तरह से अनलॉक करेंगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास ये पेन ड्राइव कनेक्ट है कंप्यूटर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। तो यहाँ पे हम सर्विस में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल गया हमको डिसेबल स्क्रीन लॉक का। तो इसमें दोस्तों डिसेबल स्क्रीन लॉक में ऐसा है, इसमें हमारा जो डाटा होता है वो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ हमारा स्क्रीन के ऊपर जो लॉक होता है वही हटेगा, हमारा कोई भी डाटा डिलीट नहीं होता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा फायरवॉल टूल है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इसके जरिए EMI अकाउंट को डिसेबल कैसे करेंगे और साथ में FRP लॉक। तो हमें ये जो Redmi Note 7 की फाइल है इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। ऐसी फाइल दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना है, मिल जाएंगे गूगल के ऊपर। ये देखिए तो यहाँ पर ये फाइल है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है लोड फायरवॉल में और ये हमें सेलेक्ट कर देना है। आपका मोबाइल जैसे ही कनेक्ट रहेगा तो यहाँ से इन दो फाइल में से राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा FRP लॉक और EMI अकाउंट जो होता है ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे। मोबाइल में से FRP लॉक और EMI अकाउंट दोनों हट जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ये MT के CPU के लिए है और ये वाला जो है Qualcomm CPU के लिए है। तो हमें इसके लिए अगर करना है तो यहाँ पे MT के CPU का होगा और यहाँ पे Qualcomm के लिए। तो दोस्तों Qualcomm CPU वाले मोबाइल के लिए EMI का जो मोबाइल होता है, Xiaomi का मोबाइल जो होता है, उसका EMI अकाउंट डिसेबल करना है। तो आपको ऐसे ही करना है, इस तरह की फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है और जो भी मॉडल आपके पास, और विदाउट आउट सर्वर के आप यहां से फाइल ऐसे सेलेक्ट करके डायरेक्ट राइट कर दोगे तो आपका मोबाइल का EMI अकाउंट और FRP लॉक हट जाएगा Xiaomi मोबाइल के लिए। यहां पे कोई डिवाइस अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए ये नॉट कनेक्शन दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद दोस्तों।